लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले अभी आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है और सभी बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होगी कि आगे क्या होने वाला है। निश्चित रूप से आप सबको पता है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है और उसमें बहुत बड़े जो खुलासे हुए हैं धांधली को लेकर, बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है कि बीपीएससी ने जिस डिसॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी की है उसने काफी राज खोले हैं और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट बिल्कुल 48 पेज का एफआईआर जो लॉन्च किया गया है उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि काफी चीजें बिल्कुल अब सामने स्पष्ट हो गई है। जो गिरोह का सरगना है उसकी गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल अब क्लियर हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। लगभग जो चीजें सामने थी कि हजारीबाग के सेंटरों से लगभग 300 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, क्या उतना ही गिरफ्तारी थी या और लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था या क्या क्या है, तो सारी चीजें बिल्कुल है कि बनारस में और बनारस के बाद दानापुर के सेंटरों से और कई जगहों से जो है वो लोगों को गिरफ्तार करने के बाद लोगों को सरोवर गैंग द्वारा जो प्रश्न पत्र मुहैया कराने की बात की जा रही थी और प्रश्न पत्र संदर्भ में जो चीजें सामने हैं इसका मतलब स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर इस तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में सारी चीजों को लगभग करने का मतलब सेटिंग गेटिंग के आधार पर आप नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ा रहे थे। जो परीक्षाएं हो रही थी उसमें जो प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रिंटिंग प्रेस के लोगों से पूछताछ करने वाली है और सारी चीजें बिल्कुल अब ये हो गई है कि बीपीएससी लोगों की भी संलिप्तता इसमें है, जो बात हम पहले से कह रहे हैं साथियों। तो अब जो बातें ये हैं कि लगातार अभी मात्र आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट सौंप दी गई है, उसके बावजूद भी बीपीएससी आनाकानी कर रही है। कई मंत्रियों के बयान आ रहे हैं सारे संदर्भ में कि आगे जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें हैं बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर देना कि हुआ कुछ नहीं है, तो सारी चीजें बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई है। और कल एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी, बीपीएससी घेराव की तैयारी लगभग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 4.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी अब जो सेटिंग गेटिंग के खेल में फंसे हैं, जो पैसे देकर नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरा प्रयास है कि तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो पेपर लीक हो चुका है उसको रद्द करने के तरफ में शिक्षक अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे। ये अंतिम मौका है। अगर आप सोचते हैं कि वीडियो देखकर कई चीजों को आप समझ कर और लोगों को बस न्यूज पेपर पढ़कर और चीजों को आप समझ लेंगे, इतना जरूर है कि ये अंतिम मौका है, अंतिम लड़ाई है जिसमें आपको आना है, शामिल होना है और निश्चित रूप से तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया में आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है तो वो मुझे लगता है कि मुख्य सरगना का जो केंद्र बिंदु है या जो सरगना है वो बीपीएससी के अंदर ही बैठा है और बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ के बाद वो बिल्कुल दूध की तरह पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मामला कहां पर आके अटका है। लेकिन इतना जरूर है जिस तरह शिक्षा मंत्री जी का बयान है और माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री जो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे श्री सुनील कुमार जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को जो है वो मानना पड़ेगा, वो बीपीएससी को मानना पड़ेगा। जांच का दायरा और जांच किस तरफ आगे बढ़ेगी सारे बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि आर्थिक अपराध इकाई ने कई मामलों के पहले भी खुलासे किए हैं। आपको पता है इसके पहले सिपाही भर्ती के मामले को लेकर उनकी जो रिपोर्ट आई वो सरकार को मानने के लिए बात होना पड़ा, उसके पहले इंटर स्तरीय जो 2017 में परीक्षाएं होने वाली थी जिसका पेपर लीक हुआ उस मामले में भी लगभग सैकड़ों लोग गिरफ्तारी हुई। पूर्व चेयरमैन बीएसएससी के सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। उसके बाद अभी हाल में ही 67वीं पेपर लीक हुआ मामला, उसमें लगभग कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई मामले सामने आए। वो बीपीएससी द्वारा जो चीजें सामने आ रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जिस प्रकार से आनाकानी एक सिरे से खारिज कर देना इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली जो है उसका जो इनपुट है और उसका जो मेन बिंदु है वो बीपीएससी के अंदर ही बैठा हुआ है और बीपीएससी द्वारा जो संचालित है प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन छपने से पहले पेन ड्राइव में क्वेश्चन चला जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जो साजिश बीपीएससी के अंदर से रची जा रही थी, इस सारे साजिशों का पर्दाफाश आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल सा समय कर लेगी। अब मुझे उम्मीद है सारे बिंदुओं पर आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को सरकार को मानना पड़ेगा, बीपीएससी को मानना पड़ेगा और निश्चित रूप से पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द करना पड़ेगा क्योंकि आप सबको पता है। और लेकिन मैं आपको उस बिंदु पर आना चाहता हूँ जिस बिंदु पर लड़ाई आगे बढ़ेगी और कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो ये चाहते हैं, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, दरोगा, पुलिस, सिपाही, बीपीएससी, सिविल सेवा आदि कई जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले इस प्रदेश के लोग युवा और नौजवान हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल और षड्यंत्र भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सारे मामलों पर आप आगे बढ़े और निश्चित रूप से प्रोटेस्ट में भाग लें और अपने हक की लड़ाई के लिए निश्चित रूप से जो चीजें सामने आ रही है उसके लिए आप बिल्कुल, आपको ये लड़ाई आपकी है। अब शिक्षकों का क्या रोल रहता है, आपका क्या रोल रहता है नहीं रहता है,
लेकिन आपके साथ प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब साथ ही आपके साथ है। प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही, बड़े आंदोलन की तैयारी कल है। निश्चित रूप से कल अपना सब समय निकालकर 11 बजे बीपीएससी कार्यालय पहुंचे और निश्चित रूप से अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। साथियों धन्यवाद, जय हिंद। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।